नमस्कार। तो जैसा आप सभी को पता है, हमारे देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आज छठा चरण है लोकसभा चुनाव का, जिसके बाद आज जो है अरविंद केजरीवाल ने भी वोटिंग करी, क्योंकि आज दिल्ली में वोटिंग थी तो अरविंद केजरीवाल वोट करने के लिए गए। अब अरविंद केजरीवाल वोट करने गए तो उस पर पाकिस्तान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन लिखते हैं, शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करे, #morepower, इस तरीके से लिखते हैं ये चौधरी फवाद हुसैन। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की पोस्ट पर ये इस तरीके से रिप्लाई देते हुए लिखते हैं, जब अरविंद केजरीवाल अपनी पोस्ट पे लिखते हैं कि मैंने अपने पिता पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला, मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई, मैंने तानाशाही बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला, आप भी वोट डालने जरूर जाएं। तो अरविंद केजरीवाल ऐसा लिखते हैं तो उसके जवाब में चौधरी फवाद हुसैन ऐसा लिखता है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जवाब देते हुए लिखते हैं, चौधरी साहब मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है, आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, आप अपने देश को संभालिए। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल एक और पोस्ट करते हैं, भारत में हो रहे चुनाव हमारे आंतरिक मामला है, आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश के चुनाव है, हमारा आंतरिक मामला है, आप होते कौन है जो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे देश के चुनाव है भाई, कोई पार्टी जीते कोई पार्टी हारे उससे देखिए चेंज तो आता रहता है, बदलाव आता रहता है, यही पार्टी रहे चाहे कोई और सी चेंज होकर आ जाए, पर लेकिन हमारे देश के चुनाव है, हमारा आंतरिक मामला है, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही लिखा है। हालांकि पाकिस्तान के मंत्री जो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पोस्ट पर रिप्लाई देते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।